आपको अपने क्रोम ब्राउज़र पर जाना है, उस पर यूट्यूब लिखना है। यूट्यूब लिखने पर कुछ ऐसा आएगा, आपको नीचे जाना है। आपको नीचे आपको मिलेगा यूट्यूब स्टूडियो, यहाँ पे यूट्यूब स्टूडियो है, इस पर हम क्लिक करेंगे यूट्यूब स्टूडियो पे। और इस पर हम क्लिक करने के बाद जो है हमें कुछ ऐसा आएगा पेज, तो हम सामने जो है थ्री डॉट ऊपर दिख रहा होगा, आप थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डेस्कटॉप साइट पर टिक कर देंगे इसको। अब ये डेस्कटॉप साइट हम टिक कर देते हैं तो बिल्कुल जैसे हमारे कंप्यूटर में शो होता है बिल्कुल वैसे होगा जैसे आप सामने देख रहे हैं। अब ये बिल्कुल जैसा कंप्यूटर में शो होता है बिल्कुल वैसे हो रहा है। लेकिन आपको बता दूं मैं कि आपके कि हमें जो हमारे जो सब्सक्राइबर होते हैं उसे हाइड क्यों करने होते हैं। क्या होता है हमारा चैनल जब नया नया होता है तो कई सारे क्रिएटर जो है हमारे जो चैनल को देखते हैं तो देखते हैं कि तो बहुत छोटा यूट्यूबर है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसलिए उसको हम हाइड कर देते हैं ताकि उन्हें पता लगे कि सब्सक्राइबर कितने हैं या फिर नया है पुराना है क्या है, ज़्यादा आइडिया ना हो। तो उसके लिए हम क्या करना होता है, सबसे पहले हमें नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा सेटिंग का, नीचे आप देखेंगे तो सेटिंग में हम क्लिक करते हैं। सेटिंग में जब क्लिक करते हैं जैसे मैं बता दूं आपको ये डेस्कटॉप साइट है ओपन है ये, तो हम नीचे जाते हैं, हम सेटिंग पे नीचे क्लिक करते हैं और सेटिंग क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा मैं जूम कर देता हूँ। सेटिंग में जाने के बाद फिर चैनल पे क्लिक करते हैं, चैनल के नाम एडवांस सेटिंग में जाएंगे और एडवांस सेटिंग में जाने के बाद थोड़ा हम स्क्रॉल करेंगे नीचे इसको, और नीचे जो है हमें थोड़ा और नीचे जाते हैं, यहाँ हमें ऑप्शन मिलता है सब्सक्राइबर काउंट, ये हम देखेंगे यहाँ पर टिक है ये, तो इसको हम अनचेक कर देंगे इसको। और यहाँ पर जो है नीचे हमें ऑप्शन मिलता है सेव का, इसको हम यहाँ से अनचेक करके और यहाँ से इसको हम इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद जो है अब ये सेव हो चुका है ये, अब जो हमारे जो सब्सक्राइबर है वो बिल्कुल हाइड हो चुके हैं और वो सब्सक्राइबर हमें नहीं शो होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को आप लाइक भी कर सकते हैं अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो, क्योंकि आपके लिए मैं हमेशा ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ। थैंक यू।